जनाब एक बार फिर से आप सभी को एक खास वीडियो यमुना अथॉरिटी की तरफ से जो एक नई स्कीम सेक्टर 22 ए में लाई गई है उसके बारे में अपडेट करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले आपको हम एक खास अपडेशन देने वाले हैं कि जनाब बहुत जल्द हम आपको खास तीन महत्वपूर्ण वीडियोस का अपडेशन देने वाले हैं। सबसे पहली वीडियो जो अब इसके बाद आपको देखने को मिलेगी वो मार्केट का सिनेरियो किस तरीके का हाल आने वाले वक्त में आपको देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब मार्केट ऊपर के स्तर पर जाएगी या नीचे के स्तर पर। दूसरी वीडियो कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव हुई है कैटेगरी वाइज जो आरपीएस 08 2024 में लोगों ने अप्लाई किया। तीसरी चीज आने वाले वक्त में कहां पे हम अप्लाई करें कि आपका पैसा हो जाए आप हो जाए मालामाल। तो जनाब कहीं ना जाए इस चैनल के साथ जुड़े रहें। तो वेलकम बैक एक बार फिर से आप सभी का पहले जोरदार हम स्वागत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारे भाई बंधु जो दूर दराज से हमारी आवाज सुन रहे हैं वो सब बढ़िया होंगे एकदम खुश मिजाज होंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो के बारे में आपको अपडेट करते हैं। तो जनाब आपको ये बता दें यमुना अथॉरिटी की तरफ से एक नई स्कीम जो लाई गई है ये सेक्टर 22 ए में है। ये सारी की सारी कमर्शियल स्कीम निकाली गई है जो कि कमर्शियल फुटप्रिंट प्लॉट्स की है और कमर्शियल शॉप्स और ऑफिस की है। अगर हम जनाब स्कीम की बात करें दोनों की दोनों स्कीमें आपको 16 अगस्त 2024 को शुरू हुई है और 6 सितंबर 2024 को खत्म हो जाएगी। अगर हम आपको बता दें अगर आप कमर्शियल फुटप्रिंट प्लॉट्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सेक्टर 22 ए में मात्र 6 ऐसे प्लॉट्स निकाले गए हैं जो कि इनका साइज 112 स्क्वायर मीटर से शुरू होता है और 140 स्क्वायर मीटर पे मैक्सिमम खत्म हो जाता है। रिजर्व प्राइस की बात करें आपको इसका रिजर्व प्राइस 3.5 करोड़ से लेके 3.81 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसके बाद जो कमर्शियल शॉप्स और ऑफिस की जो स्कीम निकाली गई है ये आपको सेक्टर 22 डी में देखने को मिलती हैं। ये जो सेक्टर 22 डी में आपको शॉप्स और ऑफिस का जो स्पेस है ये आपको कम से कम 31 स्क्वायर मीटर से लेके 116 स्क्वायर मीटर तक मैक्सिमम साइज आपको देखने को मिलता है। अगर हम सबसे कम साइज की बात करें जो कि S111 31 स्क्वायर मीटर का रेट 1,19,22,196 रिजर्व प्राइस अथॉरिटी की तरफ से रखा गया है और सबसे बड़े साइज की हम बात करें 116 स्क्वायर मीटर के आसपास का रेट 4,44,23,738 रुपए अथॉरिटी की तरफ से रखा गया है। अगर हम जनाब अप्लाई करने की बात करें तो इंटरेस्टेड एंटरप्रेन्योर वो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म अथॉरिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में अपना जो बिड है वो ऑनलाइन इसकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये बता दें अलग से ये क्यूआर कोड जो दिया है उससे आप कमर्शियल शॉप्स और ऑफिस का स्कीम की ब्राउचर वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये कमर्शियल शॉप्स और ऑफिस जो कि सेक्टर 22 डी में निकाले गए हैं और सेक्टर 22 ए में जो कमर्शियल फुटप्रिंट प्लॉट्स की स्कीम का ब्राउचर का क्यूआर कोड आपको दिया है जिसका बैंकिंग पार्टनर आईसीआईसी बैंक सिर्फ आपको अथॉरिटी यमुना अथॉरिटी के लिए एक दिग्गज पार्टनर आपके लिए दिया गया है। आपको महत्वपूर्ण सूचना अलग से दी गई है ये हमेशा के लिए अपडेशन रखें। कहीं पे भी कॉलोनी किसी भी तरीके की कट रही है या किसी भी तरीके की प्लॉटिंग हो रही है तो जनाब वो सिर्फ और सिर्फ अवैध अनऑथराइज है। उसके लिए आप इसमें खास तौर पर इस एरिया में घुसने का प्रावधान कोशिश ना करें। महत्वपूर्ण सूचना पढ़ ले यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मास्टर प्लान के अतिरिक्त प्लॉटिंग हाउसिंग कॉलोनी या किसी भी प्रकार का अन्य निर्माण पूर्ण तरह से अवैध है। सामान्य जन इस प्रकार की खरीद फरोख्त से पूर्ण संचेत रहे तथा कॉलोनाइजर के भ्रामक विज्ञापनों से बचे।
ये साफ साफ लिखा है, इन चीजों से आप दूर रहें क्योंकि आने वाले वक्त में अवैध पाएंगी और आपका पैसा जनाब डूब जाएगा। तो जनाब ये था एक छोटा सा अपडेट जो यमुना अथॉरिटी की तरफ से सेक्टर 22 ए सेक्टर 22 डी में यमुना अथॉरिटी की तरफ से जो कमर्शियल प्लॉट की हम बात करें, फुटप्रिंट प्लॉट्स की स्कीम जो सेक्टर 22 ए में और कमर्शियल शॉप्स और ऑफिस की स्कीम सेक्टर 22 डी में निकाली गई है। जो भी इंटरेस्टेड आपको इसमें लगता है अपने हिसाब से अपने बजट के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो जनाब जाते जाते बस यही कहेंगे कि आपको बहुत जल्द इस चैनल के माध्यम से अब खास 3 नई वीडियोस का अपडेशन मिलने वाला है, तो इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं। आपका प्यार सम्मान हमेशा सर आंखों पर, ये आपकी ताकत मनोबल जो आपने हमारा हमेशा बनाए रखा है उसके लिए हम आपका हार्दिक दिल से धन्यवाद करते हैं। और अभी फिलहाल के लिए विदाई देने का समय आ गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, किसी भी तरीके का कमेंट करना ना भूले, जो नए हैं चैनल से जुड़ जाएं। गुड बाय, धन्यवाद।